हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शिंदे होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। देवेंद्र फडणवीस ने किया ऐलान, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे होंगे। सूबे के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह चौंकाने वाला ऐलान किया है। माना जा रहा था कि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिलेगी और फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इस ऐलान ने पूरी तस्वीर ही पलट दी है। देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के साथ राज्यपाल से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के ज्यादातर विधायकों का समर्थन है और भाजपा एवं 16 अन्य निर्दलीय विधायकों ने उन्हें समर्थन का फैसला लिया है। फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुरुवार शाम को 7:30 पर ही सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके बाद आने वाले समय में कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं कैबिनेट से ही बाहर रहूंगा और सरकार को पूरा सहयोग दूंगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 2019 के चुनाव के बाद हमें बहुमत मिला था, लेकिन शिवसेना ने बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा से समझौता कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। बालासाहेब ठाकरे इन दोनों ही दलों के खिलाफ पूरी जिंदगी रहे, फिर भी उद्धव ठाकरे ने उनसे ही समझौता किया और महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ। उस सरकार में जो प्रचंड भ्रष्टाचार हुआ और पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में दो मंत्री जेल में गए। उन्होंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे ने दाऊद का विरोध किया था और इनकी सरकार के एक मंत्री के ही उससे रिश्ते थे। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे का नाम लेते हुए कहा, उनके पास शिवसेना के ज्यादातर विधायकों का समर्थन है। इसकी वजह यह है कि वही असली शिवसेना है और दुख की बात है कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के विधायकों को छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस को महत्व दिया। मुंबई से नीरज दवे की खास रिपोर्ट।